हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका कोटेल एकेडमी प्रेस कॉम्प्लेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज फ्रेंड्स हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक ऐसे क्वेश्चन की जो रिसेंटली ही एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन था यदि विक्रय मूल्य, ठीक है समझिएगा क्या कहा है क्वेश्चन ने, कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य को अगर आप डबल करते हैं तो लाभ आपका ट्रिपल हो जाता है। तो आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी रिसेंटली भी एग्जाम में पूछा भी गया। थोड़ा सा हम समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस होता है। ध्यान रखिएगा, ये पेन अगर मैं 10 रुपए में खरीद रहा हूं तो इस पेन की कॉस्ट कितनी होगी मेरे लिए, 10 रुपए। जितने में कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदा जाता है वो उसका क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। ठीक है, और अगर इसी पेन को मैं 15 रुपए में सेल कर देता हूं तो ये पेन की क्या हो जाएगी, 15 रुपए सेलिंग प्राइस हो जाएगी, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। और कंडीशन क्या होती है कि जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तभी आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। क्लियर, जब आप सेलिंग प्राइस मतलब ज्यादा में बेचे हों और कॉस्ट प्राइस मतलब उस वस्तु को कम में खरीदे होते हैं तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मैं इस सवाल में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को कुछ कंसीडर करूं तो मैंने मान लिया कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, एक्स है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, वाई। अभी मैं इसका ट्रेडिशनल मेथड आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूं, फिर इसका डायरेक्ट लॉजिक भी देखेंगे। सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका, वाई। तो अगर मैं अभी बात करूं प्रॉफिट की तो अभी प्रॉफिट क्या कहलाएगा, वाई माइनस एक्स, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही आपका क्या बना, प्रॉफिट बना। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को डबल कर देते हैं तो अब अपन ने सेलिंग प्राइस को क्या मान लिया, 2y मान लिया, तो अब अपना प्रॉफिट क्या बना, 2y माइनस एक्स बना। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रॉफिट है ये इस वाले प्रॉफिट का, उसने क्या कहा, लाभ का, जो भी लाभ है वो कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मतलब ये वाला लाभ इस वाले लाभ का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। अगर हमने इस लाभ को 3 गुना करा तो ये इस वाले लाभ के बराबर आ जाएगा, है ना। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम x और y का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा हमारा 3y माइनस 3x, बराबर में ये हो जाएगा हमारा 2y माइनस x। अब माइनस का x इधर ले जाते हैं या माइनस का 3x उधर ले जाते हैं और 2y को इधर ले आते हैं, तो 3y और माइनस 2y कितना हो गया, y, और माइनस का 3x इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 3x में से x घटाया तो क्या जाएगा, 2x। तो अगर हम बात करें किसकी, x और y की, तो x रेशो y क्या मिलेगा अपने को, 1:2। मतलब अगर कॉस्ट 1 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 2 रुपए है, और अगर 1 रुपए की कोई चीज 2 रुपए में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, 1 रुपए का होगा। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा था, लाभ का प्रतिशत बताना है क्या होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए डिवाइड में आप क्या रखोगे, कॉस्ट प्राइस रखोगे जो कि कितनी है, 1 रुपए, और परसेंट निकाल रहे हो इसीलिए इंटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो एक से एक काटेगा नहीं, एक ही बार में कटेगा, 100 का 1 से गुणा हुआ तो आपको जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो यहाँ लाभ का प्रतिशत क्या बनेगा आपका, 100% बनेगा। आया समझ में, ठीक है, ये इसका ट्रेडिशनल मेथड था। अब हम बात करते हैं इसके लॉजिक की। तो लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑप्शन के बिहाफ पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि जो आपका 110% अगर आप लाभ लेकर चलते हो तो 110% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 11/10। ठीक है, मतलब 10 रुपए की कॉस्ट पर 11 रुपए का लाभ हुआ तो बेचा कितने में गया होगा, 21 में। क्लियर, फिर उसने कहा है कि यदि आप विक्रय मूल्य को डबल कर देते हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 42, कॉस्ट तो 10 ही रही, तो अब फायदा कितने का होगा, 32 का, 32 का फायदा हुआ। क्या ये जो 32 है ये 11 का 3 गुना है, नहीं है, नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही नहीं। आई बात समझ में, दूसरा तरीका या दूसरा ऑप्शन देखें तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, 50% का फ्रैक्शन क्या बना, 1/2। मतलब अगर कॉस्ट 2 रुपए है और प्रॉफिट 1 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, 3 रुपए रही होगी।
उसने कहा है कि सेलिंग प्राइस को दुगना कर दे, दुगना करें तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 6 रुपए हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट तो अब भी कितनी रहेगी, 2 रुपए ही रहेगी। अब 2 रुपए की चीज 6 रुपए में बेचोगे तो लाभ कितना होगा, 4 रुपए का लाभ होगा। होगा क्या, 1 रुपए का ये 4 रुपए 3 गुना है, क्योंकि लाभ कितने गुना करना है आपको, 3 गुना करना है। तो 1 रुपए का 4 रुपए 3 गुना है क्या, नहीं है। तो ये भी अपना ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नहीं है ना। फिर अपन बात करते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन कितना है हमारा, 100% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/1 मतलब 1 ही होगा। कॉस्ट 1 रुपए है, प्रॉफिट भी 1 रुपए है, तो सेलिंग कितनी होगी हमारी, 2 रुपए होगी। अब उसने कहा है कि सेलिंग प्राइस को डबल कर दो, तो हमने 2 रुपए को डबल किया तो कितना आया, 4 रुपए आया। 4 रुपए सेलिंग प्राइस है, 1 रुपए कॉस्ट प्राइस है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, 3 रुपए आया। क्या 3 रुपए 1 रुपए का 3 गुना है, तो हाँ बिल्कुल है, है ना। 3 रुपए 1 रुपए का 3 गुना है, मतलब कौन से ऑप्शन से हम आंसर को सेटिस्फाई कर पाए, सी ऑप्शन से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन। आई बात समझ में। तो यहां पर आप ट्रेडिशनल मेथड से नहीं सोचना चाहो तो आप चीजों को प्रैक्टिकल करके भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको हमेशा यही सीखना होता है कि किसी भी टॉपिक में या क्वेश्चन में अपन क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आया होगा, ठीक है। ऐसे ही लॉजिक सीखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।